part of the country, we are going to have the screening camp. Our target is 1 million people to be reached out, because this is a population of 3.5 lakhs doctors among ourselves. We are making it, it's a possible to reach them. And all field, whether it is obstetrics problem, ophthalmology, eye problem, or anywhere there is a problem. And this kind of screening camp will be there, mainly to focus on the diabetic food. And secondly, on the awareness, because as we all know, today, the diabetes is more common in the urban area than the rural area, where the stress and the lifestyle is one of the major reasons. So we are also organizing various programs as a lifestyle modification program, whether it's a cultural, sports and other events also we are organizing to mark the country that we will be able to reduce the complication. As diabetic complications are not, all of a sudden it is not going to come. If somebody is getting diabetic food means, last 15 to 20 years he has a diabetes. So during that time, if we can early diagnose these complications, whether it's loss of vision, cardiac problem, then we can definitely stop that. So that is a target with which IMA is working, and we are working with the government also. In the government institutions also, our members are organizing this camp and making it available, the insulin to be available for the periphery and rural areas we are working on. So, इसमें जैसे आपने हम लोग डायबिटीज अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, तो अवेयरनेस कैंप हमने देखा है कि हमेशा अगर 100 पेशेंट हम लोग रैंडमली शुगर टेस्टिंग करते हैं, तो कम से कम उसमें 10 से 15 लोग हैं जिन्होंने कभी शुगर टेस्ट ही नहीं किया होता है, लेकिन उनका शुगर बॉर्डर से जास्ती होता है। मतलब उनको डायबिटीज उनको है ये पता नहीं होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज प्रॉपरली ट्रीटमेंट टाइमली नहीं मिलने से थोड़े टाइम के बाद में डायबिटीज, आज डायबिटीज हो गया तो तुरंत दूसरे दिन कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है उसका, डायबिटीज का जो नस को अफेक्ट होता है, ब्रेन को अफेक्ट होता है, तो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाता है। और काफी हद तक ऐसे देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशन में मालूम पड़ता है कि इनको डायबिटीज है काफी टाइम पे, जैसे बुखार है, बुखार ट्रीटमेंट चल रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है या खांसी ठीक नहीं हो रही है, उसका जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तभी देखते हैं कि उसका शुगर 400 है, 500 है, और फिर बाद में देखा है कि उसका कॉम्प्लिकेशन कुछ हो गया है। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना, मतलब जैसे आपने पूछा कि अर्ली डायग्नोसिस में हमारे जो कैंप्स में रहेंगे, जैसे आज सुबह को उन्होंने बताया कि आज जगह पे कैंप था, वॉकेथॉन था, वॉकेथॉन में हम लोगों को बोलते हैं कि भाई रोज आप आधा घंटा चलो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो, खाना बराबर खाइए, जैसे डॉक्टर ने बोला कि तेल वाली चीज है, शक्कर आप कम खाइए, घी जो जास्ती खाना होता है वो कम करिए, डाइट बराबर करिए, जो नॉर्मल वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सैलेड्स है, वो जास्ती खाइए, उससे क्या होएगा कि आपका शुगर का लेवल वैसे भी कम हो जाएगा, डायबिटीज होने का चांसेस भी कम हो जाएगा, और डायबिटीज अगर जल्दी डायग्नोस होता है तो उसका ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए हमको हमेशा। डायबिटीज एक गोली डॉक्टर जब भी लिख के देते हैं तभी, ऐसा नहीं है कि वो जन्म भर तक वही गोली चालू रखना है, कभी गोली का डोज बढ़ाना भी पड़ता है, तो हर 2-3 महीने आप डायबिटीज डॉक्टर के पास या फैमिली फिजिशियन के पास जाके शुगर टेस्ट कराइए, आप देखिए कि शुगर नॉर्मल है या नहीं है, अगर बढ़ रहा है तो डॉक्टर उसका डोज एडजस्ट करके दे देगा, क्योंकि हमेशा जैसे हमारा उम्र बढ़ता है तो पैनक्रियाज, डायबिटीज होता क्यों है कि जैसे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो बॉडी में चाहिए, वो इंसुलिन अगर बॉडी तैयार नहीं कर रहा हो तो इंसुलिन नहीं होगा तो शुगर बढ़ते जाएगा, तो नेचुरली उम्र के हिसाब से शायद ऐसा हो सकता है कि इंसुलिन उसके बॉडी में नहीं है तो शुगर बढ़ जाएगा, तो वो टाइम पे गोली जास्ती लगेगी, तो ये पूरा जो एक प्रोसेस है उसको मॉनिटर करना जरूरी है। तो चेकिंग मेडिकल कैंप में होएगा, उसी टाइम पे हमारे यहाँ जगह जगह पे, आज मेरे ख्याल से मुंबई में कम से कम 50 जगह पे मेडिकल कैंप्स में शुगर टेस्टिंग हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग हो रहा है, साथ में हम लोग उसी टाइम ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, क्योंकि ये 3-4 चीज है वो साथ में आती है, तो साथ में एक दूसरे को तकलीफ करके पेशेंट को बढ़ावा तो हो जाता है, मतलब उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, नस उसकी बंद पड़ेगी तो गैंग्रीन होएगा, वैसे ही कुछ नस ब्रेन में बंद पड़ेगी तो उसको लकवा भी हो सकता है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना तकलीफ है। रेटाना में तकलीफ होता है, जैसे डॉक्टर मराठे ने हमें बोला कि हम जैसे डायग्नोस करते हैं तो जैसे ही शुगर होता है तो 5 साल के बाद में उसका एक बार रेटाना चेक करना चाहिए,
बाद में हर साल हम लोग ऐसा नहीं है कि खाली नंबर बढ़ता है दिखता नहीं तो डॉक्टर के पास जाओ, रेटाना टेस्टिंग वो जो डॉक्टर ही कर सकता है, आम आदमी रेटाना टेस्टिंग नहीं कर सकता है, तो वो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाके रेटाना का कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना है, उसी के साथ में अगर कुछ उसको किडनी का प्रॉब्लम है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके किडनी का कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करना है। तो अभी जैसे बोला है कि खाली ट्रीटमेंट देना के साथ में हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे कि कॉम्प्लिकेशंस न हो, कॉम्प्लिकेशंस कम हो तो उसको डायग्नोस करके शुगर कंट्रोल करके उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर कम से कम हो, ये पूरा हमारा ट्रीटमेंट रहेगा। इसके लिए एक जो ब्लू सर्कल हमने बताया, आपने देखा होगा कि ब्लू सर्कल है, और काफी जगह पे हमने देखा है कि जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट है जैसे बच्चों को, और आज हम लोग जो 14 नवंबर जो उसको चाचा नेहरू दिन भी समझते हैं वो बच्चों का दिन भी है, और ऐसे देखा गया है कि काफी बच्चे आज के तारीख में इंसुलिन डिपेंडेंट है, जिसको हम लोग अर्ली जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। तो जुवेनाइल डायबिटीज में इंसुलिन होता है, लेकिन कितने जगह पे रूरल एरिया में इंसुलिन अच्छी तरह से मिलता नहीं है। तो हमारा यही गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट रहेगा कि इंसुलिन के ऊपर जो बच्चों को लाइफ लॉन्ग लेना है उसके ऊपर टैक्सेशन थोड़ा कम रखो और इंसुलिन अवेलेबल करो सब जगह पे, जैसे कि उसका ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि उनको इंसुलिन के बिना इलाज नहीं है, दवा काम नहीं करती है उनके ऊपर, इंसुलिन ही चाहिए। तो ये सब साथ में रख के हम इसको ध्यान देने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसको। हर फैकल्टी का जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है, सर्जरी है, हमने लेक्चर्स रखे हैं, रोज रात को 9 से 10 एक घंटा पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो लेक्चर प्रसारित करेंगे, और वो अल्टीमेटली जो लेक्चर लेंगे वो पेशेंट को उसका फायदा होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कोरोना के बाद और भी ज्यादा इसमें इफेक्ट आने आ रहे हैं कोरोना की वजह से शुगर के, और लेकिन आज भी सरकारी स्तर पर कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो बेसिक शुगर के लिए ही बना हो, या उसके लिए कोई आपने इम्प्लीमेंट सरकार से कोई अप्रोच की हो कि बनाया जाए या ऐसा होना चाहिए। तो क्या आप इस पे वर्क कर रहे हैं कि खाली शुगर के लिए भी कोई ऐसा हॉस्पिटल हो, हड्डी के लिए, हार्ट के लिए, कार्डियोलॉजी, हर चीज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन जहाँ एक बढ़ती हुई बीमारी है बहुत जबरदस्त तरीके से आप बच्चों से लेकर हर एज ग्रुप में है, तो क्या ऐसा भी कोई डायबिटीज का डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स छोटे छोटे है, कम है, लेकिन क्योंकि हमेशा डायबिटीज का जो है वो कॉम्प्लिकेशन से नजर आता है, तो डायबिटीज को भी अकेला नहीं जाता है, वो साथ में कुछ लेके जाता है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा मल्टी सेंटर हॉस्पिटल तैयार करते हैं कि जिसपे सबका इलाज होगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड कोई छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है जैसे पुणे में खाली डायबिटीज का, लेकिन डायबिटीज का इलाज करते टाइम पे अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो उसको ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसको अगर कुछ किडनी का डिजीज हो तो किडनी का भी ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो इसके लिए खाली उसका जरूर नहीं है, मल्टी सेंट्रिक और पूरे राउंड ट्रीटमेंट हो ऐसा हम लोग सोचते हैं। जो आपने सवाल पूछा, देश में 7 करोड़ डायबिटिक है और 7 करोड़ से ज्यादा 7 करोड़ प्लस उसके लिए जितने भी प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम है वो हाई रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हाई रिस्क ग्रुप है जैसे कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, जो बच्चों में ऑटोइम्यून डिजीज है, बच्चों में पैदाइशी होता है, उस अगर फैमिली में है तो उसकी फैमिली का स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है, पूरे के पूरे जब भी बच्चा होगा वो फैमिली का स्क्रीनिंग जरूरी है। सर जैसे जैसे डायबिटीज बढ़ती जा रही है, आप लोग अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी अपना ज्ञान बांटती रहती है, तो वो कितना घातक है नॉर्मल लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल ये तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, नहीं उनके लिए अवेयरनेस उसका नहीं, इसके लिए हम हमारे डॉक्टरों को अच्छी तरह से समझा रहे हैं और वही डॉक्टर जाके पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, और हम इसके लिए आपका हेल्प चाहते हैं, क्योंकि आप पेपर में जो लिखेंगे अच्छी तरह से तो पेशेंट पढ़ने वाला है। व्हाट्सएप से भी जास्ती मैं मानता हूँ कि जो अच्छा पेपर, अच्छा रिपोर्टिंग करता है, अच्छा उसके अंदर लिखता है, उसको जास्ती ध्यान देता है, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है ना आपके पास में, वो पेपर अच्छी तरह से वो काफी टाइम संभाल के रखते हैं, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट जो लिख के आता है ना वो बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आपका हमें सहकार्य चाहिए, आप अच्छी तरह से रिपोर्टिंग करो, जो हम लोग आज सजा आर्टिकल हमने छापा है या हमने आपको प्रेस रिलीज दिया है, तो आप अच्छी तरह से उसको लिखो और लोग पढ़ेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे, फॉलोअप करेंगे और ट्रीटमेंट लेके उसका कॉम्प्लिकेशन कम करेंगे। नेत्वा, यू वांट टू आस्क नेत्वा, नेत्वा धुरी, नेत्वा धुरी, शी इज वर्किंग ऑन एनसीडी। हाँ,
नेत्वा कैन यू हाँ या नेत्वा कम The all of this has already been solved, but one thing I really wanted to know regarding the insulin, you just demanded that there should be, this insulin should be cost effective, and still it is not reachable to many of the juvenile diabetic patients also. So I wish that this juvenile diabetes topic should be elaborated. Today, especially on November 14th, because today is World Children's Day, we are very much focusing on the juvenile diabetes also. There is a lot of people with the juvenile diabetes affected, lot of people to be identified. Once you are identified with the juvenile diabetes, lifelong they have to be on insulin. But unfortunately, it is not available in the rural center, and every day they have to come to the hospital and put the hospital. They do not have the opportunity to preserve the insulin, because insulin has to be preserved in the fridge, and that opportunity is not there. So now we are trying to see to that, even in the rural area, at least for a large level, a monthly average, the patient should be identified like a ration. They should be given insulin as a free of cost to the government, which we are working with the government. Government is also trying to do that. In many states, our own IMA people, IMA branches are doing this project. Today, in many areas where whenever we are conducting the camp, where we diagnose juvenile, we are collecting the data of them, and we are ensuring that they are going to get the insulin regularly in their house. A uniform pattern is not yet formed. We have already submitted our request to the government, and government has assured they will look into that. And this is one of the very, very important agenda which all of us